सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। आपके यम शिक्षा मित्र में बहुत सारे ऑप्शन हैं और इनका क्या मतलब है, आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। तो यम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप में आपका स्वागत है। शिक्षकों की उपस्थिति, इस ऑप्शन को खोलते हैं। यह सुविधा केवल हेडमास्टर के लिए है। ओके, और यहाँ पर हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यह लॉगिन करते हैं और इस तरह यह ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब कक्षाएं शुरू हों तो इसे एक्टिवेट कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन शैक्षणिक गतिविधि है। ये शैक्षणिक गतिविधि प्रगति, शैक्षणिक गतिविधियां दर्ज करें। इसको ओपन करते हैं। इसमें उपस्थित दिनांक 24/12/2020, शिक्षक की शाला में उपस्थिति, तो उपस्थित पर क्लिक करते हैं और उपस्थित में क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का पेज प्राप्त होता है। शिक्षक की शैक्षणिक गतिविधि दर्ज करें, उस शाला में कक्षा संचालित की, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12। मतलब अभी यह 9, 10, 11, 12 के लिए ही बनाया गया है। और इसी तरह ऑनलाइन क्लास ली तो इसमें भी वही 9, 10, 11, 12 शो कर रहा है। फिर हम अगला कॉलम देखते हैं, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करें। तो यह कॉलम एक्टिवेट हैं और जब स्कूल खुलेंगे तो इसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। फिर इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग, यह सुविधा केवल स्कूल हेडमास्टर के लिए है। तो यह भी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। शिक्षण योजना यहाँ पर यह एक्टिवेट हो चुका है और शिक्षक अपनी शिक्षण योजना यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। शिक्षक डायरी, यहाँ पर मेरी डायरी, इसको ओपन करते हैं तो एड स्टेटस, यहाँ स्कूल, और स्कूल जैसे ही क्लिक करते हैं तो कैप्चर फ़ोटो, यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और यह आगे नहीं बढ़ रहा। कह रहा है प्लीज़ कैप्चर फ़ोटो, तो यहाँ से कंप्लीट एक्शन यूजिंग कैमरा,
अपनी फोटो यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरह यह फोटो अपलोड हो जाएगी और यह सही का निशान आ गया और फिर इसमें अभी ये लोड हो रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर फोटो हट गया है ऐड स्टेटस, तो यहाँ पर स्कूल को ऐड कर दिए और इसमें कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस, तो स्कूल को सेलेक्ट किए और इस तरह देख रहे हैं कि यह भी अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है और भविष्य में जब कक्षाएं 1 से 8 तक संचालित होंगी तो इन्हें एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यह छोटी सी जानकारी थी, सभी शिक्षक साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।